नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जोधपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पश्चिमी जिले के पुलिस कर्मियों को सावधानी व सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए गए। डीसीपी गौरव यादव ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के साथ ही सभी तैयारियां चल रही है। जिले के सभी थाना अधिकारियों से लेकर कांस्टेबल को चुनाव के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में बारीकी से समझाया। चुनाव के दौरान आमजन से भी संपर्क बनाए रखने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। वांछित बदमाशों की धरपकड़, मादक पदार्थ, शराब तस्करों व अवैध हथियार के साथ पकड़ में आने वालों पर नजर रखने के लिए कहा गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सिकाव प्रेम धंदे, सहायक पुलिस आयुक्त अशोक आंजना, नरेंद्र दायमा, नरेंद्र सिंह व जिले के सभी थानाधिकारी व थाने के जवान मौजूद रहे। देखिए दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए जोधपुर से कैलाश चौहान की खास रिपोर्ट। इसके 100 मीटर में दूसरा बूथ आ जाएगा, ये जो समस्या है इसमें आपका समाधान हो जाएगा। कल फिर या तो कोई कहेगा साहब आप 200 मीटर कर दे रहे हो तो हमारा तो रास्ता उधर से घूम करके आना पड़ रहा है, डायरेक्ट हम आ नहीं पा रहे हैं। तो जब आप पहला ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से ग्राउंड पे वो समझ में आएंगी और उसका समाधान भी आप लोगों को पर्याप्त समय मिलेगा समाधान करने में भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबके जो दिमाग में वो घुस जाएगी कि भाई ये 100 मीटर 200 मीटर कोई चीज़ होती है जिसको लेकर के अभी से पुलिस बहुत ज़्यादा सख्त है, इसको किसी भी तरीके से चुनाव के समय हमें वायलेट नहीं करना है। पहली चीज़ तो ये करनी है अपने को जाकर के। दूसरी चीज़, जब आप बूथ पर पहुँचते हो, बूथ पर देखते हो और वहाँ पर जाते हो तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका जो बूथ है वो S1 में आ रहा है, S2 में आ रहा है, S3 में आ रहा है, S4 में आ रहा है। क्रिटिकल मैपिंग की जो सिचुएशन है उसकी आपकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि साहब ये हमारा जो बूथ है ये तो वल्नरेबल है, ये तो S3 वाला है, ये S2 वाला है, ये S4 वाला है। ऐसा नहीं हो कि बीट कॉन्स्टेबल है वहाँ का या सेक्टर और पुलिस ऑफिसर उसको पता ही नहीं कि उसके एरिया में कौन सा बूथ किस क्रिटिकलिटी में आ रहा है। जब आप ये पता कर लोगे S1 है, S2 है, S3, S4 है, तो आपको उसी समय अपने आप पता चल जाएगा इसका कारण क्या है। कारण पता चलते ही एक तो दूसरे जो बूथ है उसमें भी आपको ये एक्सरसाइज कंटिन्यूस करनी है, क्योंकि S1, S2, S3, S4 ये चीजें ऐसी होती है, खासकर कि S1 और S3 जो पुलिस से संबंधित होती है वो बहुत ही मतलब आप लास्ट दिन तक तो उसमें ऐड या जोड़ या घटाना कर सकते हो। S1 मेरे ख्याल से आप लोगों में से जिसको पता है वो अच्छी बात है, बट मैं आपको बता दूं ऐसा पोलिंग स्टेशन जो कि ऐसे एरिया में पड़ता है जिसमें भयग्रस्त मतदाता हो।